नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। भागलपुर के सुल्तानगंज में बन रहे फोर लेन पुल का एक हिस्सा फिर गंगा नदी में गिरा। आईएमए के साथ हड़ताल में शामिल हुआ इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन। मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देती हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, ऐसा बयान आया है विनेश फोगाट का। मदरसों में 11 मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा दी तो मान्यता होगी रद्द, एमपी सरकार का बड़ा फैसला। बहनों को मायके पहुंचाने के लिए चलेंगी 320 अतिरिक्त बसें। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने जांच को दी मंजूरी, जमीन में हेराफेरी का मामला। कानपुर में ट्रैक पर किसने रखा बोल्डर, क्या है हादसे के पीछे की कोई बड़ी वजह, उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। कन्नौज रेप केस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का लिया गया डीएनए। बाइक सवार दंपति को सड़क पर रोका गया तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने की बदसलूकी। जल निगम के अधिशासी अभियंता की पीट पीट कर की गई हत्या। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।